लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कार 24/7 और मैं हूं आपके साथ कहकशा परवीन। देश में कोरोना वायरस की मार और ऊपर से लॉकडाउन में ठप हुए कारोबार से आम आदमी परेशान है। इस सब के बीच पिछले करीब 3 हफ्ते से हर रोज पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। इन सब के बाद देश में पहली बार डीजल के दाम पेट्रोल से ऊपर हो गए हैं, जिसको लेकर लोग काफी परेशान हैं। कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार आने के बाद से ही महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन करती आ रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में निरंतर हो रही वृद्धि को लेकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी के आदेश अनुसार पूरी दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों की मौजूदगी में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया गया है, जिसमें कांग्रेस के कई नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कांग्रेसियों ने देश में बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। अंबेडकर नगर के पुष्प विहार के पेट्रोल पंप पर भी खानपुर वार्ड से पूर्व प्रत्याशी रह चुके ओम प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर वहां पर ओम प्रकाश चौधरी, रजाक अली, मालती बैरवा, लक्ष्मीचंद, कैलाश बैरवा, राजू खान, पप्पू, प्रेम पहाड़िया मुख्य केंद्र बने। देखिए अंबेडकर नगर से हमारे संवाददाता महेंद्र आर्या की रिपोर्ट। दौरा लाया था, आज वो उठा के अराउंड 40 के आसपास हो सकता है, मेरे को आज का डेट नहीं पता। तो वो उसको आप अगर आप एक्चुअल में इनकी नीयत साफ है तो ये 40 रुपये 32 रुपये पे हमें दे सकते हैं। आप 50 रुपये उस पर टैक्स लगा रहे हैं, ये जनता वैसे ही परेशान है। इसके पास आज नौकरियां नहीं है, काम धंधे नहीं है, महामारी से परेशान है, ऊपर से आप इतना टैक्स लगा रहे हैं। दोनों सरकारें मिलकर लगा रही हैं, वैट दिल्ली सरकार ने भी बढ़ाया, केंद्र सरकार ने भी बढ़ाया। तो हमारी दोनों सरकारों से विनती है कि इमीडिएट तुरंत प्रभाव से इस टैक्स को कम किया जाए और इस जनता को बख्शा जाए, इस पर रहम किया जाए। आज की डेट में हर मोर्चे पे ये सरकार विफल है। अगर डीजल का रेट बढ़ता है तो मान के चलिए कि ये जो महंगाई है वो हर घर को परेशान कर देगी, तबाही कर देगी। लोगों बागों के पास रोटी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो हर चीज़ में 20% का रेट बढ़ गया। तो हमारी आप चैनल के माध्यम से ये विनती है कि इमीडिएट प्रभाव से वैट एक्साइज सेल्स टैक्स कम किया जाए और जनता को राहत दी जाए। मैं मोदी जी और केजरीवाल जी से बस यही बोलना चाहूँगी कि जो इन्होंने ये टैक्स लगाए हैं पेट्रोल और डीजल पर, मेहरबानी करके इसको कम करें। पहले हम कोरोना से भी पीड़ित हैं और ऊपर से इसकी मार और हमें पड़ रही है, तो उनसे विनती है कि इस पर से वेट हटाकर हमें जो इसका रीजन रेट है उस रेट पर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। क्या मांग है आपकी सरकार से और आप लोग जो है इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, हमारी अपनी निजी कोई मांग नहीं है। जिस तरह से देश में 5-6 महीने से हाहाकार मचा हुआ है, वायरस से परेशान है लोग, महंगाई से परेशान है लोग, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लोगों के रोज़गार चले गए हैं, लोग अपने गांव जाने में इतने हताश हुए हैं, मर भी गए हैं, काफ़ी लोग बेरोज़गार हो गए हैं। उसके उपरांत कांग्रेस पार्टी समय समय पर, सोनिया गांधी समय समय पर लोगों को राहत पहुँचाने के लिए वह कुछ ना कुछ कार्य करती रही है। आज जिस तरह से वायरस फैल रहा है, वायरस के को देखते हुए सोनिया गांधी जी ने, अनिल चौधरी जी ने, हमारे ओम प्रकाश चौधरी जी के नेतृत्व में ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे जितने भी गरीब तबके के लोग हैं आज हाहाकार मचा रहे हैं, हाहाकार मच रहा है, महंगाई से परेशान है, वायरस से परेशान है, उसके उपरांत डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। और जब ये दोनों चीज़ें, दोनों पदार्थ जब महंगे होते हैं तो स्वाभाविक बात है कि महंगाई का अपार और उस ऊँचे स्तर पर आ जाता है। आज इन्हीं बातों को लेते हुए हमने सोनिया गांधी जी के आदेश अनुसार, अनिल चौधरी के आदेश अनुसार, जिला अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल के आदेश अनुसार, ओम प्रकाश चौधरी जी के नेतृत्व में हमने ये आह्वान छेड़ा है। ये हमने धरना प्रदर्शन जो करा है इसलिए कम लोगों का है ये, क्योंकि वायरस फैला हुआ है। अगर वायरस नहीं होता तो यहाँ पे आजा कोरोना नहीं होता तो यहाँ पे हजारों लोग होते। इसलिए हमने सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क लगा करके इस तरह से प्रोग्राम हम दिखा रहे हैं, कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं केजरीवाल जी से, मोदी सरकार से, अमित शाह से कि इस महंगाई को कम करें,
पेट्रोल के दाम कम करें, डीजल के दाम कम करें, ताकि महंगाई नीचे आए और गरीब आदमी, गरीब तबका आराम से जनजीवन जी सके। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप ऐसा करने में असमर्थ हैं, तो आप अपनी कुर्सी छोड़ें, अन्यथा हमें विकराल रूप लेना पड़ेगा। हम रोडों पे आएंगे, हम प्रदर्शन करेंगे बड़े बड़े, हम चौक जाम करेंगे, हम अमरन अनशन करेंगे, हम पब्लिक के लिए, जनता जनार्दन के लिए, लोगों के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। मैं लक्ष्मी चंद आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस महामारी में महंगाई को कम करें, तेल के दाम कम करें, डीजल के दाम कम करें, ताकि हम लोग आराम से जनजीवन जी सकें। जय हिंद, जय भारत। तो ये कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग हैं जो यहाँ पे शांति प्रदर्शन कर रहे हैं डीजल और पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों को लेकर। ओम प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में यहाँ पे जो है धरना प्रदर्शन किया गया है। इन सभी की यही मांग है कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं कम किया जाए। निरंतर दाम बढ़ाने से जो है लोगों की जेबों पे इसका असर पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं माना भी जा रहा है कि जैसे शराब के ठोके सरकार के द्वारा खोले गए हैं और पेट्रोल में निरंतर जो वृद्धि की जा रही है, जो रेट बढ़ाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं भारत की गिरी हुई जो अर्थव्यवस्था है उसको उभारने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सरकार ये चीज़ भूल गई है कि इन चीज़ के दाम बढ़ाने से पेट्रोल डीजल जो है रोज़ाना लोगों को इसकी ज़रूरत होती है, और कहीं ना कहीं इसके बढ़ते दाम जो है लोगों की जेबों पर असर करेगा। अब देखना यह आने वाले समय में सरकार क्या इन दामों पर लगाम लगाती है, या कांग्रेस जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है वो और आगे उग्र करेगी इस प्रदर्शन को, वो हम आपको आने वाले समय में बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए और बने रहिए हमका 24/7। नमस्कार। प्रदर्शन में नेताओं का कहना है कि बढ़ती महंगाई के पीछे केंद्र सरकार और केजरीवाल सरकार दोनों का ही बराबर हाथ है। मोदी सरकार तानाशाह सरकार है, एक तरफ जनता कोरोना से लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 50 रुपए का टैक्स लगाकर जनता का खून पसीने की कमाई है चूसने में लगी हुई है। पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा होने से सिर्फ गाड़ियों के मालिकों को ही नुकसान नहीं है, बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अपना किराया बढ़ा रहे हैं। इसमें मुसाफिरों को भी काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर पूरी दिल्ली में प्रदर्शन किया गया है। तो ये देखना काफी अहम होगा कि ये प्रदर्शन आगे कितना रंग लाता है। ऐसी और तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए हुंकार 24/7। धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।